Strange Bus News Real Time. बिहार में पुलिस की छापेमारी का एक लाइव वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। रेड के इस वीडियो में पुलिसकर्मी राइफल तान कर पानी से नहीं निकलने की स्थिति में अपराधी को गोली मारने की चेतावनी दे रही हैं। मामला पटना पुलिस से जुड़ा है। दरअसल पटना जिले की बाढ़ पुलिस को देखकर कई बदमाश भागने के लिए गंगा नदी में कूद गए। लिपि सिंह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हाथीदह थाना क्षेत्र के राजेंद्र सेतु में कुछ बदमाश हथियार के साथ मौजूद हैं। उन्होंने तत्काल हाथीदह थानाध्यक्ष रवि रंजन सिंह को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह थाने की पुलिस ने अपराध की योजना बनाते चार अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बाढ़ की ASP लिपि सिंह के नेतृत्व में हाथीदह थाने की पुलिस को अपराधियों की गिरफ्तारी में सफलता हाथ लगी है। पूरे मामले में ASP लिपि सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हाथीदह थानाध्यक्ष रवि रंजन को राजेंद्र पुल पर लगाया गया था। अपराधियों ने जैसे ही पुलिस को देखा तो भागने लगे। भागने के क्रम में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया, जिसके पास से हथियारों की बरामदगी की गई है। हाथीदह थाना क्षेत्र में यह लगाकर दूसरी बार अपराधी को हथियार के साथ पकड़ा गया है। सभी अपराधी बेगूसराय जिला के सिमरिया के रहने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ASP लिपि सिंह ने बताया कि शंकर कुमार, राजा कुमार, बिहारी कुमार, मुन्ना महतो की गिरफ्तारी हुई है। ब्रजकिशोर पिंकू के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट।